हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल फूड इन माय किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ गरम मसाला पाउडर। मैं हमेशा होममेड गरम मसाला अपने डिश में यूज़ करती हूँ। मैं इसे हमेशा घर में ही बनाती हूँ। इसकी खुशबू बहुत ऑथेंटिक होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, इसे लो फ्लेम पे गरम करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे दालचीनी, जायफल, जीरा, अब हम डालेंगे काली मिर्च, आठ से दस तेज पत्ता, अगर आप एक बार ये गरम मसाला पाउडर बना कर रख दें तो आपको बाज़ार से गरम मसाला पाउडर लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको ये ज़रूर पसंद आने वाला है। अब डालेंगे हरी इलायची। अब लेंगे बड़ी इलायची, अब डालेंगे लौंग, अब डालेंगे सौंफ, अगर आपको होममेड गरम मसाला की रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही न्यू रेसिपीज़ लाया करूँगी। होममेड गरम मसाला बनाना बहुत ही आसान है। मैंने सोचा क्यों ना मैं ये रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूं। मैं हमेशा गरम मसाला बाज़ार से नहीं लाती, मैं हमेशा घर का बना हुआ ही गरम मसाला पाउडर यूज़ करती हूँ। अच्छी तरह इसे चलाएंगे, थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। अब हम डालेंगे इसमें सूखी लाल मिर्च, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी सब कुछ दिया हुआ है, आप चाहें तो वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अभी इसे अच्छी तरह से हम रोस्ट करेंगे, 7 से 8 मिनट अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। फ्लेम लो ही रखेंगे। जब ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए, इसमें से खुशबू आने लगे, तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। इसे साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब सेम फ्राई पैन में हमें धनिया रोस्ट करना है। सूखी धनिया रोस्ट करेंगे 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पे। मैंने 8 से 10 टेबल स्पून धनिया लिया है,
स्पाइसेस की क्वांटिटी के हिसाब से लिया है, आप चाहें तो स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम इसे साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब हम इसे बारीक सा पाउडर बनाना है। ये मसाला बहुत ही खुशबूदार होता है। हम इसे कबाब में, सब्ज़ी में, चिकन की ग्रेवी में, मटन में, किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। इसकी खुशबू बहुत ही ऑथेंटिक होती है। मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ। अब ये ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे एक पाउडर बना दूँगी। बहुत ही ज़्यादा बारीक नहीं बनाना है। अब हम इसे एक डब्बे में रख देंगे। हम इसे 6 मंथ तक भी यूज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा 1 मंथ का पैक बनाकर रख देती हूँ। आप ही गरम मसाला पाउडर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही अच्छा बनता है और खाने में टेस्ट भी बढ़ा देता है। होममेड गरम मसाला की बात ही कुछ और होती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। सब्ज़ी में डालें, कबाब में डालें, ग्रेवी में डालें, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।